अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अंसर मलिक फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि टाइटेनियम ग्रुप आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान रियल स्टेट से रिलेटेड लेटेस्ट से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता है, इस तरह आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा एलडीए सिटी के बारे में। सबसे पहले एलडीए सिटी की लोकेशन की बात की जाए तो मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर ये लोकेटेड है, नियर जो लास्ट मेट्रो बस स्टेशन है गजुरमथा, उसके जो पास इसकी जो है वो लोकेशन है। और इसमें जो है वो जिना ब्लॉक है और नेक्स्ट जो है अपकमिंग इसमें इकबाल ब्लॉक भी आने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे जिना ब्लॉक के बारे में बात करूंगा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो 15 हैं और इनमें तकरीबन आलमोस्ट सारे ब्लॉक्स में जो है वो डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है। इसमें जिन लोगों ने फाइल्स परचेज की थी उनमें मोस्टली को जो है वो नंबरिंग जो है वो अलॉट हो चुकी हुई है। इसकी जो पहली बिल्डिंग हुई थी वो 30 नवंबर 2019 को हुई थी और जो नेक्स्ट बिल्डिंग थी वो 14 फरवरी 2020 को हुई थी। अब जो चंद एक फाइल्स जो रह गई थी जिनको अभी नंबर अलॉट नहीं किए गए थे उनकी जो एक जो आखिरी लास्ट फेज़ है वो एक्सपेक्टेड है 15 फरवरी को कि उनको जो जिन्होंने फाइल परचेज की थी उनको भी जो है वो नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जिना सेक्टर में ओवरऑल जो है वो तकरीबन 60-70% डेवलपमेंट का काम हो चुका हुआ है और यहाँ पे दिनों रात जो है वो काम हो रहा हुआ है। और इसके अलावा इसमें जो है वो पोजेशन भी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 1-1.5 साल में जो है वो पोजेशन भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने इसको फाइल्स पे इसकी सेल परचेज की और जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी वो आज जो है वो एक अच्छा इसमें आउटपुट गेन कर रहे हैं। इसमें बलेटिंग से पहले जो प्लॉट्स थे 2-3 दिन पहले उनकी जो प्राइस में बलेटिंग के फ़ौरन बाद 2-3 लाख रुपया हर कैटेगरी में जो है वो प्राइसेस में जो इंक्रीमेंट लगा था। और अभी इसी तरह जिना ब्लॉक में मज़ीद कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं जो ओपन फॉर्म है, कोई ट्रांसफ़र फीस वगैरह नहीं है, कोई उसमें टैक्स वगैरह शामिल नहीं है। तो जो लोग इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए एक राइट टाइम है क्योंकि अब तो लास्ट फेज़ में इसकी जो बलेटिंग होनी है और उसमें टोटल नंबर ऑफ फाइल्स हैं उन सबको जो है वो प्लॉट नंबर इशू कर दिए जाएंगे। तो प्राइसेस में भी बूम आ जाएगा। इसमें 2-3 लाख रुपए एक्सपेक्टेड है जो फाइल्स में भी जिन प्राइसेस में मिल रही हैं तो उसमें 2-3 लाख रुपए जो है उसमें मज़ीद प्राइसेस जो हैं उसमें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा इसमें जो रोड्स हैं जिसमें चिनाब रोड है उसका काम जो है वो तकरीबन 80-90% हो चुका हुआ है, वो कारपेटेड हो चुका हुआ है। इसकी अप्रोच बड़ी ईजी हो रही है। इसमें रिंग रोड के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो एलडीए सिटी का एक इटसेल्फ खुद एक इसमें इंटरचेंज बनेगा रिंग रोड का, जिससे इसकी जो अप्रोच है वो ज़्यादा इजी हो जाएगी हर तरफ से। ये फिरोजपुर रोड से भी इसको कनेक्ट करता है, फिर ये रिंग रोड के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और इन्वेस्टर्स के साथ साथ ये एंड यूज़र के लिए बड़ा अच्छा होगा। बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ पे प्लॉट्स मौजूद हैं। इसमें अगर कैटेगरीज के वाले से मैं बताता चलूँ तो जो 5 मरला का प्लॉट मिल रहा है इस टाइम पे जो एवरेज है, बाकी डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, इस टाइम पे जो 5 मरला की प्राइसेस हैं वो 20-22 लाख हैं और इस तरह जो 10 मरला है वो तकरीबन 31-32 लाख से स्टार्ट हो रहा है और जो एक कनाल है वो तकरीबन 50-55 लाख के दरमियान जो है वो प्लॉट मिल रहा है नंबरिंग के साथ। तो मज़ीद एक जिना ब्लॉक के अंदर और इकबाल ब्लॉक, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि उसको भी लॉन्च कर दिया गया लेकिन अभी उसकी जो है वो बुकिंग स्टार्ट नहीं, वो विद इन 4-5 मंथ्स की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या एंड यूज़र के लिए देख रहे हैं वो एलडीएसटी की मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए या यहाँ पे बुकिंग्स के हवाले से जो भी इनको क्यूरीज रिक्वायर हैं वो मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप और मेनू भी मौजूद है फॉर ओवरसीज क्लाइंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।